मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अब तक 4 लिस्ट अपने उम्मीदवारों की जारी कर दी है, लेकिन अब तक कांग्रेस की एक भी लिस्ट जारी नहीं होने से हर तरफ कांग्रेस की लिस्ट कब आएगी यही चर्चा है, जिस पर आज इंतजार खत्म हो सकता है। बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी, जिसमें कई नामों पर मुहर लगी थी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक 150 उम्मीदवार कांग्रेस तय कर चुकी है, इनमें से 60 उम्मीदवारों की लिस्ट आज किसी भी वक्त जारी हो सकती है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा था कि श्राद्ध पक्ष के बाद पहली सूची जारी होगी। अभी हमने लगभग 60 सीटों पर चर्चा करी है, फिर से मीटिंग होगी हमारी, अभी हमारी स्क्रीनिंग कमेटी इसके बाद फौरन है, जो हमारी प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी है, उसके बाद फिर से हम लोग चर्चा करेंगे, तभी लिस्ट फाइनल करेंगे। हम श्राद्ध के बाद अपनी लिस्ट अनाउंस करेंगे, तो उस रफ्तार से हम चल रहे हैं ताकि 15 तारीख को हम अपनी लिस्ट अनाउंस कर सकें। वही कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पहली सूची में अधिकांश सिटिंग एमएलए के नाम शामिल हो सकते हैं। इधर बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने वाले नेताओं को भी कांग्रेस टिकट दे सकती है। बता दें कि बीजेपी ने अब तक 4 लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 230 विधानसभा में से 136 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। इनमें केंद्रीय मंत्री, सांसद और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी शामिल है। अब देखना होगा कांग्रेस बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ अपने किन धुलंधरों को चुनावी मैदान में उतारेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।